बसमिल सब्सक्राइबर असलम वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम जो सी एस एस के सोल्व पेपर हैं इकनॉमिक्स के वो हम डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स के पेपर हम डिस्कस करेंगे नाइनटीन नाइन्टी फोर से लेकर नाइनटीन नाइन्टी सेवन तक ये चार साल का पेपर कम्प्लीट सोल्व करूँगी आपको समझाऊँगी इनके आंसर के साथ तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ये उन स्टूडेंट के लिए जो सी एस एस की तैयारी कर रहे हैं जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पेपर नाइनटीन नाइन्टी फोर का पेपर वन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्लेरिबियम लेवल ऑफ इनकम इज आर एग्रीगेट एगेट डिमांड इज इक्वल टू एगेट सप्लाई नो इंटेंडेड सेविंग इज इक्वल टू वो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट ये भी है और अन अटेंडेड चेंजेस इन इन इज़ ज़ीरो नो और डी अब और आंसर जो है वो ओनली एंड बी है एग्रेड डिमांड इक्वल टू सप्लाई और इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लम समेक्स लीड टू इसका जो ऑप्शन बनता है इंक्रीज इक्रम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जब इक्वल इंक्रीज होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और टैक्सेस में तो एकम लेवल ऑफ जो नेशनल इनकम होती है वो भी बढ़ती है इसके साथ ही क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इनकम भी बढ़ेगी नेशनल इनकम भी द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन कनेजियन लिक्विडिटी ट्रैप इज़ ये बिल्कुल हो जाती है इन्फिटी क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप में जितना मर्ज़ी आप इंटरेस्ट करें उसका बढ़ाए या कम करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिक्विडिटी उसकी इन्फिनी हो जाएगी वर्टिकल आई एस का में भी ड्यू टू कंप्लीटली इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड का कर ए उसका ऑप्शन है करेक्ट एन इंक्रीज इन कन्जप्शन विच इज़ इंड्यूसड बाय अ राइज इन रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंस इज नाउन एज पीगो अफेक्ट पीगो अफेक्ट किसे कहते हैं जब आपकी ई कन्ज्शन इंक्रीज होती है जो इंड्यूस्ड होती है रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंस तो उसको हम बोलते हैं पीगो अफेक्ट रियल मनी बैलेंस का एक कंजप्शन के साथ जो रिलेशन है वो पीगो अफेक्ट से शो होता है द इंटरसेक्शन ऑफ द आई एस एल एम का रिप्रजेंट इक इन बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट क्योंकि आई एस एल एम का हिक्स ने पेश किया था तो आई एस जो है वो गुड मार्केट और एल एम जो है वो मनी मार्केट का है और जब दोनों इंटरसेक्शन करते हैं तो इक्वलियम जो होता है वो रिप्रजेंट करता है एम सी इक्वल टू एम आर मीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तकरीबन क्वेश्चन पेपर में आता है कि परफेक्ट कम्पिटिशन में भी एम सी इक्वल टू एम आर होता है यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की शर्त है मोनोपोली में भी यही शर्त है ओलिगोपोली में भी नहीं ये तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं इन तीनों में एम सी इक्वल टू एम आर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड इज ग्रेटर देन वन होती है जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है द इनकम अफेक्ट रेफर टू दिस सिचुएशन वे रिलेटिव प्राइसिस आर इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीरो इसका आंसर है इट इज़ ऑफन स्टेटेड एट मोनोपली पावर इज अ फंक्शन ऑफ दी ऑफ डिमांड ग्रेटर मोनोपली पावर वुड कंसिस्टेंट विद तो इसको समझाने के लिए ये डायग्राम आप देखें हमने इसमें एक्स एक्सेस पे एम आर लिया है वाई एक्सेस पे प्राइसिस लिया तो हमें पता है ये मोनोपली का हमारा डाइग्राम एम आर नीचे ए आर ऊपर है तो एम सी जो है ये हमारा डिमांड कर्व भी है तो ए आर इक्वल टू डी होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड कर्व जहाँ होता है तो एम आर को जहाँ इंटरसेक करें हम ऊपर जाते हैं जहाँ ये ए आर को इंटरसेक करते हैं तो हमारे पास प्राइस आती है अब आपने एक चीज़ नोट करनी है क्या होता है कि अगर इलास्टिसिटी जो है इस एम सी कर्व के ऊपर ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ जो प्रॉफिट वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो बन रहा है हमारा पी वाला इसके ऊपर जो होती है इलासिसिटी ग्रेटर देन वन होती है इस पॉइंट पे इलाटिसिटी इक्वल टू वन होती है और इससे जो नीचे पॉइंट होता है वो इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है तो ये डायग्राम याद रखना आगे भी ये दो तीन बार यूज़ होगा तो इसमें हमें मोनोपली में क्या होगा कि इट इज़ ऑफन स्टेटेड दैट मोनोपली पावर इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑफ डिमांड ग्रेटर मोनोपली पावर वुड मोस्ट कंसिस्टेंट विद ग्रेटर इलास्टिसिटी होगा आ हाई आई इलास्टिसिटी तो मोनोपली में आप देखें ना जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहीं ये आ रहा है हमारे पास और हमारे पास नाइनटीन नाइनटी फोर का पेपर टू आ गया हमारे पास जी डी पी ग्रोथ रेट नाइनटीन टू नाइनटीन नाइन थ्री डिक्रीज टू टू फोर पॉइंट एट वन परसेंट इफ़ ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी सेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज फ्राम फोर परसेंट टू वन ईयर टू सिक्स परसेंट इन द नेक्स्ट एंड इफ द ग्रोथ रेट ऑफ़ पोटेंशियल रियल जी डी पी जी एन पी एज्यूम टू बी थ्री परसेंट वट विल बी ग्रोथ रेट ऑफ़ एक्चुअल रियल जी एन पी तो फार्मूला इसके लिए है हमारे पास वाई नाट माइनस वाई एल्फ़ा यू माइनस यू नाट तो इन्होंने बताया हमारे पास जो है अब क्वेश्चन फिर पढ़ें हमारे पास जो रियल जी जी एन पी जो हमारे पास है वो थ्री है तो वाई नाट हमारे पास रियल जी एन पी माइनस वाई वाई हमें नहीं पता और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज फ्राम फोर परसेंट टू सिक्स परसेंट तो पहले फोर परसेंट था एक्चुअल यू नॉट जो हमारा फोर है और अब सिक्स है तो सिक्स माइनस फोर करेंगे हमारे पास जो आर एफ सिक्स माइनस फोर टू बचता है और सॉरी थ्री बाई थ्री भी हमने इधर करना है थ्री जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स टू थ्री सिक्स माइनस फोर तो वाई हमारे पास थ्री निकलता है थ्री परसेंट ये ओकन ज़िला है वाई माइनस थ्री ओवर थ्री इक्वल टू सिक्स माइनस फोर वाई जो है वो हमारे पास थ्री आता है बिगनिंग फ्रॉम स्टैंडिंग स्टार्ट पोजिशन सपोज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल जी एंड पी एक्सलेट टू सेवन परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर एज्यूमिंग ट्रेंड ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जी एन पी टू थ्री परसेंट एंड दूम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फाइव परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट कम्बिनेशन फॉर डेट ईयर ये भी है इन सफिशेंट मिलियन द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ कैपिटल इज ट्वेल्व परसेंट पर ईयर द फर्म दिन प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज फिफ्टीन मिलियन हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इट्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज दस तो वो हमने निकालना है कैसे निकालना है अगर हमारे पास फर्म का है फाइव हंड्रेड फाइव मिल अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ कैबरेज ट्वेल्व परसेंट पा रही ट्वेल्व परसेंट फाइव हंड्रेड का लेंगे तो सिक्सटी आएगा फाइव सिक्सटी हमारे पास आ गया और फिफ्टीन मिलियन है टोटल हमारे पास प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट को फाइव सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो सिक्सटी मीटर और, और इसको हमारे पास जो वैल्यू आ गई है फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई जीरो ट्वेल्व से करेंगे तो सिक्सटी मीटर हमारे पास थ्री परसेंट हमारे पास इसका ऑलमोस्ट आंसर आता है सपोज डैट फॉर अ सर्टन फॉम फॉर्म एवरेज वेरिएबल कास्ट इज लेस टेन पर यूनिट एट ट्वेंटी अलेवन पर यूनिट ट्वेंटी फॉलो फॉलो डैट मार्जिनल कास्ट ऑफ डैट रेंज ऑफ आउटपुट मस्ट बी अबाउट वन परसेंट क्योंकि प्राइस टेन से एलेवन हुई है और जो प्रोडक्शन है वो भी ट्वेंटी से ट्वेंटी वन हो गया तो वन परसेंट चेंज है मार्जिनल अदर थिंग बीइंग इक्वल वी वुड एक्सेप्ट अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपलिस्ट टू चार्ज द हाईएस्ट प्राइस टू द ग्रुप विद लीस इलास्टिक डिमांड विच आर द फार्मिंग पॉलिसी लाइकली टू बी मोस्ट डिटर्मिनल टू प्रोडक्टिव एफिशंसी इन द फॉर्म इकोमी आल ऑफ दे इक्वल विद रिगार्ड टू If this year price of oil is $30 per barrel and rate of interest is 10%, how high must next year's expected price be in order to encourage a competitive procedure to conserve a marginal barrel of oil for a production next year more than $30? When both the current account and capital account are considered equilibrium in the foreign exchange market required debt, every dollar worth of goods or services imported be paid for by a dollar's worth of goods or services exported. a full understanding of the effect of monetary and fiscal policy required general equilibrium analysis because all of the above the option the demand for money depend on level of national income, correct? the level of planned investment depend other things being equal on the nominal interest rate or the level of aggregate nominal demand on the लेवल ऑफ़ प्लान इन्वेस्टमेंट तो ऑल ऑफ दबव है ये सोलेक्ट दंबर टू है हमारे पास नाइनटीन नाइन्टी फाइव का और पेपर वन है उसका तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्ड अप ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बाई सेंट्रल बैंक ऑफ मनली टू एन इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई अफेक्टिंग प्राइसेशन सिचुएशन एडवर्सली क्योंकि इससे इन्फ्लेशन आ जाती है जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगी तो बिल्ड अप फॉरन एक्सचेंज रिजर्व का क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है इनकम लास्टी ऑफ डिमांड फॉर एडिबल ऑयल इन पाकिस्तान इज लेस दैन यूनिटी है और इन क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इफ़ टम्प्रेरी डिक्लाइन अकर टू टोटल स्पेंडिंग दिस वुड बी कंपनसेटेड बाय तो क्लासिकल सप्लाई वर्टिकल होता है तो कैसे कम्पनसेट करता है बाय लिटल एडजस्टमेंट इन प्राइस एंड वेजेस के बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं एक्सचेंज तो डिप्रेशन डिप्रिसिएशन वो लीड टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड फॉर फॉरेनर क्योंकि एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट करता है जो चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं सस्ती हो जाती हैं फॉरेनर के लिए तो वो इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है एक दो इफेक्ट से होते हैं एक एक्सपोर्ट बढ़ेगी और एक डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स फॉर फॉरनर फॉरनर के लिए वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और फ्रामिस्टिक पोजिशन इज स्ट्रेंथन इफ इलास ऑफ डिमांड इज़ हाई ये भी इम्पोर्टेंट इव द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज परफेक्टली इन अलास्टिक बर्डन ऑफ टैक्स ऑन डेट कमी विल बी बर्न बाय कंज्यूमर क्योंकि कंज्यूमर ले रहा है तो बर्डन ऑफ टैक्स भी कंज्यूमर पे होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसेप्ट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन रिसिव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स तो आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है तो वो सारा ये वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट का कनेक्शन है एन इकॉनमी इज स्टेटेड टू बी ईटिंग इट्स कैपिटल स्टॉक इफ कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन इनकम अगर आपकी कंजप्शन ज़्यादा होगी इनकम से तो वो इकॉनमी क्या होगी कि वो ईटिंग इट्स कैपिटल स्टॉक क्योंकि वो बचाई नहीं रही इनकम से भी ज़्यादा वो कंजप्शन कर रही है तो वो सेविंग कहाँ से करेगी सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और डिमांड फुल इन्फ्लेशन रेफर टू तो एग्रिय डिमांड इज़ हायर दैन एग्रीट सप्लाई जब एग्रीट एग्रीट डिमांड जो है एग्रीट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो वो डिमांड फुल इन्फ्लेशन होती है नेशनल इनकम इस्टीमेशन डबल काउंटिंग अकर वैन द फॉलोविंग गेट एडेड टूगेदर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आउटपुट ये बिल्कुल डिफरेंस है ये डबल काउंटिंग नहीं हो सकती इनमें कास्ट आयरन कास्ट ऑफ़ आयरन और ही एंड आयरन आयरन एंड स्टील आउटपुट तो आयरन और ही जो होते हैं आयरन एंड स्टील आउटपुट ये डबल काउंटिंग इसमें होगी क्योंकि ये हर स्टेज पर इनको काउंट कर रहा है वेजेज़ ऑफ बस एंड ट्रेन ड्राइवर ये भी बिल्कुल बस अलग है ट्रेन ड्राइवर की वेजेज अलग हैं अब तो हमारे पास बी जो है वो करेक्ट आंसर है 1995 का पेपर टू है जीडीपी ग्रोथ है नाइनटीन नाइनटी फोर नाइनटीन इंक्रीज़ टू डिड नॉट इंक्रीज नाइनटीन नाइन्टी फोर में बहुत मिनिमल इजाफा हुआ था तो डिड नॉट इंक्रीज द डू लेबर मार्केट थ्योरी फाइंड द वर्कर इन द सेकेंडरी लेबर मार्केट हैव हैस अपॉर्चुनिटी फॉर एडवासमेंट डी ऑप्शन इसका करेक्ट है द रेट ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इन नाइनटीन नाइनटी फोर एंड नाइन्टीन नाइनटी फाइव डिक्रीज टू डिड नॉट डिक्रीज अन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं हुई थी उन्नीस सौ चौनानवे और पचानवे में पर्सनल इनकम कम्प्राइजेज द फॉलोइंग पर्सनल इनकम में हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम माइनस सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन माइनस नेट इंटरेस्ट प्लस पर्सनल इंटरेस्ट प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट आती है डी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड इनकम पॉलिसी वुड मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन एक्सिलेटिंग इन्फ्लेशन में बी ऑप्शन है ओकन लास्ट स्टेट डेट ईच वन परसेंट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन आ इन आ थ्री परसेंट डिक्रीज इन रेल इकनॉमिक ग्रोथ ये ओकन ला है कि अगर वन परसेंट इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट में तो थ्री परसेंट इंक्रीज इन रेल इकनॉमिक ग्रोथ होगा और मैं कि वो अपने बुक में टू परसेंट भी लिखते हैं तो जो आपको आप उनमें से आए ना पेपर में तो आप वो करना But according to advocate of flexible exchange rate, flexible exchange rate eliminate imbalances in the foreign sector that might result from monetary and fiscal policy 7 could be optional. It takes five labor hour to produce ton of steel in Japan and three labor hour in the United States and it required 20 labor hour to produce a car in Japan and only 15 labor hour in United States. इफ़ जापान एंड यूनाइटेड स्टेट वर्ड ओनली टू कंट्रीज इन्वॉल्व इन ट्रेड वही वुड एक्सेप्ट कम्पेरेटिव एडवांटेज रिकार्डो की जो थी रोटी थी उसके तो अपना टेबल बना लेना है पहले देखना है जापान जो है वो कितने में कर सकता है जो है हमारे पास स्टील का और फिर कार जो है वो जापान कितना कर सकते हो अमेरिका कितना कर सकते हैं हालांकि अमेरिका को दोनों पर कंपेरेटिव एडवाटेज है लेकिन जापान को ज़्यादा कंपेरेटिव है इसमें इम्पोर्ट ऑफ कार में और एक्सपोर्ट ऑफ स्टील में क्योंकि स्टील उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और कार थोड़ी सी कंपेटिवल उसके मुकाबले में है महंगी लेकिन वो उसको वहाँ से कंपेरेटिव एडवांटेज देकर और वो ट्रेड कर सकते हैं अ अमोपलिस्टिक ऑलवेज ऑपरेट इन एलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड का वो मैंने पीछा वो कर्व बना के दिखाया था कि मोनोप्लिस्टिक का जब तक वो अलास्टिसटी ग्रेटर देन वन होगी जो ऊपर वाला पोर्शन होगा तब तक वो प्रॉफिट लेता रहेगा इफ़ द क्वान्टिटी ऑफ एप्पल सोल्ड एटा सर्टन फ्रूट एंड फ्रूट स्टैंड इंक्रीज ट्वेंटी के जी पर डे टू थर्टी के जी पर डे मैं द प्राइस इज लोअर फोटी पर किलोग्राम थर्टी पर किलोग्राम दस्ट्री इट क्लोज टू विच ऑफ़ दिंग वन पॉइंट फोर परसेंट क्योंकि ये डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है तो ये आपने सोल्व कर लेना है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्ला पी ओवर क्यू वाले फार्मूले से इनकी एवरेज प्राइस लेकर आपने वो फार्मूला लगा के ये पुट करके आपने सोल्व कर लेना है नाइनटीन का पेपर वन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ मिल्क इज अलेवन पर लीटर एंड द प्राइस सीलिंग एट फोर्टीन पॉइंट फिफ्टी पर लीटर द लाइकली रिजल्ट विल बी सरप्लस होगा अब इसके लिए आप एक डायग्राम बनाएं ए, प्राइस सीलिंग क्या होगा कि वैसे एक प्राइस हमारे पास होती है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं प्राइस होती है अगर जो गवर्नमेंट है इक्विलिब्रियम प्राइस फार्मर के लिए बहुत थोड़ी है तो उनको रिलीफ देने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर प्राइस सेट करेगी यानी ज़्यादा प्राइस सेट करेगी तो उससे क्या होगा कि जब फार्मर देखेंगे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से तो वो सप्लाई बढ़ा देंगे तो सरप्लस आ जाएगा और प्राइस सीलिंग ये होती है कि क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर नीचे हम कर लेंगे तो वो हमारे पास शॉर्टेज जा आ जाती है तो ये हमारे पास पासम प्राइस से ऊपर है तो सरप्लस है नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू जी एन पी माइनस कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेज एंड इनड बिजनेस टैक्सेजी जी एन पी से हम डेप्रीशन लेस करते हैं तो कैपिटल कंजप्शन जो है वो depreciation ही होती हैं और इनड टैक्सेज हम इसमें से लेस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं इफ़ द मार्जिनल प्रोपर्सिटी टू सेव इज़ वन जीरो पॉइंट वन एंड द मार्जिनल इम्पोर्ट इज जीरो पॉइंट थ्री द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मजब भी टू पॉइंट फाइव अपने हमूल लगा के सॉल्व करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड अ बैरियर टू एंट्री इनटू टू द इंटरपोविजनल ट्रकिंग इंडस्ट्री द टेंडेंसी ऑफ शिपर्स टू प्रेफर डूइंग बिजनेस विद फीमिलर कैरियर डी ऑप्शन है स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज लाइकली टू बी एट इट्स स्ट्रोंगेस्ट वैन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज लो बट एक्सपेक्टेड रेट इज राइज सी ऑप्शन है मैं नेशनल इनकम एक्सीड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू देयर विल बी अनप्लान इन्वेंट्री होगी हमारे पास जब नेशनल इनकम एक्सीड कर जाएगी वैल्यू से तो हमारे पास अनप्लान इन्वेंट्री आ जाएगी इन अ जर्नल इकोम फ्रेमवर्क विच ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट बी एक्सेप्टेड टू एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज प्लान इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो इसी हमारे पास आ जाता है अ कट इन ट्रांसफ़र पेमेंट इफ़ अ बैंक सब्जेक्ट टू टेन परसेंट रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ज अ टू लैक इन एक्सेस रिजर्व इट कैन परचेज एट मेक्सीम विच अमाउंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ तो उसका टेन परसेंट लेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा ए ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ फिक्सेंट इज थिंक फिक्स रेट इनकरेज सेंट्रल बैंक टू परस्यो एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनिट्री पॉलिसी सी ऑप्शन है इफ़ अ कंट्री रन रन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसट इन करंट अकाउंट इट मस्ट रन अपिटल अकाउंट सर प्लस का पेपर आ गया हमारे पास। इफ़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इन एंड इंक्रीज इट्स प्राइस एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर इट विच ऑफ दॉनॉमिक द लैंड ऑक्युपाइड बाई द लाइब्रेरी बिल्डिंग एट कैद आजमसिटी अटेंटिव स्टेटमेंट ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कार्डोज होता है प्री टू में क्या होती है कि वन बेटर ऑफ अगर उसने होना है तो मेकिंग सवन एल्स वर्स ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ यानी अगर आपने कुछ गेन करना है तो दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए तो इसको प्री टू बोलते हैं और डी इसका ऑप्शन है नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग सॉरी अगर एक बेटर ऑफ होगा तो वो किसी और को वर्स ऑफ होना पड़ेगा तो ये प्रीटो ऑप्टिमिलिटी में होता है तो ए डी ऑप्शन है नो वन कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग सम्स वर्स ऑफ डी ऑप्शन है बोलते हैं पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम माइक्रो में स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमी होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट ऑफ पलम्बर इन इस्लामाबाद ये भी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है द इफेक्ट ऑफ फार्म प्राइस सपोर्ट ऑन द कंजप्शन वीट ये भी माइक्रो है द काज ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द लास्ट फाइव ईयर ये मैक्रो है क्योंकि ये होल से रिलेटेड है तो सी हमारे पास जो है वो माइक्रो नहीं है एक्जेपन डेट दिजनल इक्रियम लेवल इज फाइव हंड्रेड बिलियन एंड दट एम पी सी जीरो पॉइंट सेवन फाइव एंड दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज ब ट्वेंटी बिलियन रुपीज़ दैन द न्यू न्यूम लेवल ऑफ इनकम विल बी फाइव एटीज़ का जब एम पी सी फार्मूला लगा के निकालेंगे तो ट्वेंटी बिलियन से हमें फाइव एटी बिलियन हो जाएंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज अंडरग्राउंड इकॉनमी एम्प्लाईज बी एंड सी बी हमारे पास क्या है दस डेट सच एंड इकॉनमी वुड हैव प्रोपेंसिटी टू लेस एफिशिएंट और सी हमारे पास है डेट अ डिस्पोशनेट शेयर ऑफ द टैक्स बर्डन इज़ कैरीड बाय दोज हुज एक्टिविटी आर एक्सक्लूडेड फ्राम अंडरग्राउंड इकॉनमी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जी एंड पी बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट जो है वो जी एन पी का हिस्सा नहीं है बाकी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये सारी इसमें आती हैं लेकिन बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती इसमें नहीं आती जी एन पी में इकोनॉमिट फ्रिक्वेंटली फॉर दाइक्रो इकोनॉमिक गोल द लिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डी जो है करेक्ट है चार कौन से प्रॉब्लम है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी गुर्बत का खात्मा फुल एम्प्लॉयमेंट यानी आपकी बेरोज़गार की सत्ता जो होती है फुल होनी चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इकनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए उनको अप्रीड कर लें एक बार और लास्ट एट प्रियड टू कनेजन रेवोल्यूशन हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी जब कनेजन रेवोल्यूशन आया तो उससे पहले उन्नीस सौ अट्ठाईस से उन्नीस सौ उनतीस उन्नीस सौ बत्तीस तक हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी वर वनसिडर टू बी नॉर्मल नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर एंड इंडिकेट बाई प्रीवेलेंट क्लासिकल मॉडल अब हमारे पास आ गया नाइनटीन नाइन्टी सेवन का पेपर वन द ओवरऑल बजट डेफिसिट रेफर टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिव फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज बजट डेफिसिट तभी होगा जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आपकी इनकम कम होगी तो जब एक्सेस होगा टोटल एक्सपेंडिचर का यानी अखराजा ज़्यादा हो गए हैं टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्राम टैक्सेज एंड नॉन टैक्सेज रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करती है टैक्सेस से भी इकट्ठा करती है पैसे जो रेवेन्यूज़ रेवेन्यूजा होते हैं और नॉन टैक्सेस से भी इकट्ठा करती है तो वो सारे जब उसके इनकम वो कम हो जाएगी एक्सपेंडिचर से तो बजट डेफिसिट आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट इज डराइव फ्राम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाई डिडक्टिंग कैपिटल कंजम्प्शन अलाउंसेज यानी डेप्रिसिएशन जो हम लेस करते हैं सी ऑप्शन है पैलेस ऑफ ट्रेड डेफिसिट मीन एक्सेस ऑफ पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर फॉरन एक्सचेंज अर्निंग फ्राम एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर विद होल्डिंग टैक्स कॉपोरेट टैक्स ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट एंड सरचार्ज ऑन पेट्रोलियम एंड गैसेस और डिमांड फॉर इन्फ्लेशन अकर्स इफ गे डिमांड इज लोअर दैन इकोनमी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट मरियॉरी ना इधर ऑफ द अब आएगा सी ऑप्शन है डिमांड फॉर इन्फ्लेशन के लिए ईजी मनी पॉलिसी कैन बी प्रस्यूर्ड बाई लोअरिंग रिजर्व रेशो डिमांड इज अस्ट चेंज इन प्राइस एंड टोटल मूव इन द सेम डायरेक्शन हो जाएगा ड्रा डाउन ऑफ रिजर्व लीड टू एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई नाइनटीन एटी सेवन का पेपर टू है इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिकीज इन इट्स प्राइस विल इंक्रीज द क्वान्टी टेकन एंड इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर इट इंक्रीज इन कंसिडर द फॉलोइंग डेल्टा वाई नाट इक्ल टू टू हंड्रेड बिलियन एम पी सी जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा आई फाइव बिलियन दैन वाई वन विल बी तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टाईल टू वन और वन माइनस एम पी सी तो ये हमारे पास आ जाएगा टू हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फाइव बिलियन विच ऑफ द फॉलो इज अट अ मैक्रो इनिक प्रॉब्लम इन स्पोर्ट प्राइस ऑफ वीट ऑन इट्स कंजशन तो ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है विच ऑफ द फॉलो इज ए ट्रू इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑफ जी एंड पी इन पाकिस्तानी सेवन इन सिग्नीफिकट डेटा है डरिंग नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड सैवन द फेडरल गवर्मेंट हैड टू पे विच ऑफ द फॉर्मिंग अमाउंट इन बिलियन रेस टू अर्ड डेट सर्विसन एटी सिक्स बिलियन द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर इन पाकिस्तान एंड मिलियन हैज बीन होवरिंग अराउंड टू पॉइंट फाइव परसेंट ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड सेवन पाकिस्तान पर कैपिटल इनकम इंक्रीज इंक्रीज सिग्नीफिक इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इसका आएगा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में बी सॉल्व बाई इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डिक्रीजिंग टैक्सेज अगर आपसपेंडिचर इंक्रीज करेंगे फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो सकती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो आप डिक्रीज करेंगे तो इनक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हो सकता है इससे पे द रेट ऑफ इन्फ्लेशन में बी रिड्यूस बाय फ्रीजिंग वेज एंड प्राइस इंक्रीज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस और रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई तो ऑल ऑफ़ दी अबाव आएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन द गवर्नमेंट शुड ऑल ऑफ दी अबाव काम करेगी टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अनऑर्गनाइज सेक्टर एपो सेल टैक्स सेटर रिटेल स्टेजेस और इंश्योर एफिशिएंट एंड ऑनस्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्रीज टैक्स रेट्स तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मजीद वीडियो भी मैं बनाऊँगी पेपर्स के लिए सी के सारे पेपर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल नोटिफिकेशन दबाई होगी तो फिर आप तक अपडेट पहुंचेगी कि मज़ीद पेपर सॉल्व हो गए हैं आप आके देख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए अल्लाह हाफिज़